हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए अनबॉक्सिंग वीडियो में। आज मैंने उषा जनों में स्टिचिंग मशीन मंगाई थी, तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो बॉक्स में से पहले तो इसका कवर निकलता है, जिसको हम बाद में देखेंगे। जब तक हम मशीन को बॉक्स से बाहर निकालते हैं, जो बड़ा मुश्किल का काम था मेरे लिए, तब तक गाइस लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब करना मत भूलिए इस चैनल को ऐसी भी अनबॉक्सिंग वीडियो देखने के लिए। तो मशीन को बाहर निकालते हैं। तो बॉक्स में से पहले इंस्ट्रक्शन मैनुअल निकलती है। तो इस इंस्ट्रक्शन मैनुअल में क्लियर लिखा जाता है फर्स्ट यूजर्स के लिए, जिसको मशीन यूज़ करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस बुक में मिल जाएगी। तो नेक्स्ट है इसका एक्सेलरेटर पेडल और प्लग इन स्विच और प्लग इन वायर, जिससे अपनी मशीन पावर ऑन होगी। चलिए इसको अनरैप करते हैं। तो ये होगा अपना एक्सेलरेटर पेडल, जिसके हिसाब से हम मशीन की स्पीड का रोटेशन कंट्रोल कर सकेंगे। इसके बाद आएगी अपनी उषा जनों में मशीन। तो इस मशीन में 21 स्टिचेस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। 21 डिफरेंट स्टिचेस आप इसमें कर सकते हो। डिफरेंट टाइप के स्टिचेस आपको करने के लिए राइट हैंड साइड में आपको दिया गया है, तो आप उसके हिसाब से नॉब सेट करके और उसका लेवल सेट करके आप कर सकते हो। तो ये बहुत कॉम्पैक्ट मशीन लगी मेरे को, जिसमें ऊपर हैंडल भी दिया जाता है। तो जो फर्स्ट हमने छोड़ा था इसका मशीन कवर, ये रहा। इसके ऊपर एक हैंडल के लिए स्लॉट भी दिया गया है, जिससे हम मशीन कैरी कर सकते हैं। तो इस मशीन के साथ एक किट भी फ्री आई थी, स्टिचिंग किट फ्री आई थी। तो इसको अनबॉक्स करते हैं। इसमें से पहले तो सीजर्स मिलता है, मेजरमेंट टेप और कुछ नीडल्स, साथ में बटन्स मिलते हैं। और इस बॉक्स के नीचे आपको मल्टीपल कलर के रील्स मिल जाएंगे। चलिए इसकी पावर ऑन करते हैं और इसकी फंक्शनैलिटी देखते हैं।